आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गूगल एडवर्ड्स के कीवर्ड प्लानर का कंप्लीट ट्यूटोरियल, और साथ ही बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि गूगल एडवर्ड्स जो है वो तो पेड एड्स के लिए यूज होता है, तो हम इसको एसईओ की कीवर्ड रिसर्च के लिए क्यों यूज करते हैं, तो इस चीज का भी जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने वाली हूँ कि गूगल एडवर्ड्स का कीवर्ड प्लानर आप किस तरह से अपनी कीवर्ड रिसर्च को बेहतर करने के लिए यूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WsCubeTech चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गूगल एडवर्ड्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एड्स के लिए है, यानी PPCs के लिए है, पेड एड्स के लिए है। तो क्या इस टूल का जो कीवर्ड प्लानर है, क्या हम उसको SEO की कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं एनालिसिस की बात करूं, कीवर्ड रिसर्च का मतलब कीवर्ड्स को ढूंढना कि क्या क्या हमारे टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स बन सकते हैं, और कीवर्ड एनालिसिस मतलब उन ढूंढे हुए कीवर्ड्स में से बेस्ट कीवर्ड्स को निकालना। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं कीवर्ड एनालिसिस की, कि जब आपको चूज करना है कि कौन सा कीवर्ड मैं काम में लूं, किसकी वॉल्यूम ज्यादा है, किसका कंपटीशन कम है, या फिर जो भी आपके पैरामीटर्स हैं, उस केस में आपको गूगल एडवर्ड्स का कीवर्ड प्लानर यूज नहीं करना। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था, कीवर्ड रिसर्च का पहला स्टेप होता है कीवर्ड रिसर्च, यानी कीवर्ड्स आप निकालिए, ढूंढिए कि आपके टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं, तो उस केस में हम गूगल एड्स के कीवर्ड प्लानर की हेल्प लेने वाले हैं। क्योंकि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो टूल है ये खुद गूगल का है, तो गूगल को बेटर पता है कि कौन कौन से कीवर्ड्स कितनी वॉल्यूम के साथ वहां पर है। तो हम अपने कीवर्ड्स के जो LSI कीवर्ड्स ढूंढने के लिए, या फिर मैं कहूँ और भी रिलेटेड कीवर्ड्स ढूंढने के लिए, एक रिसर्च करने के लिए हम गूगल एडवर्ड्स का यूज करेंगे, लेकिन बाद में हमें और टूल्स की भी जरूरत होगी जिनका हम यूज कर सकते हैं। देखिए, हर किसी का अपना तरीका होता है कीवर्ड रिसर्च करने का। मैं आज आपको अपना तरीका बता रही हूँ, और हो सकता है कोई और पर्सन अलग तरीके से कीवर्ड रिसर्च करता हो, लेकिन मैं जो भी चीज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जो भी तरीके मैं आपको इस पूरे कोर्स में सिखाऊंगी ना, वो आपके लॉजिक पर बेस्ड होंगे। कुछ भी चीज मैं अपने मन से मैंने नहीं क्रिएट की है, ये मैं सारे लॉजिक बेस्ड आपको चीजें बता रही हूं। तो कंप्लीट कोर्स आपको फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको SEO की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको डेली वीडियोस हम वहां पर ऐड करते हैं, तो पुराने वीडियोस अगर किसी ने मिस किए हैं तो वो देख लीजिए, और प्लेलिस्ट को सेव करके रख लो, जिससे एक भी वीडियो आप मिस ना करो। तो चलिए गूगल एडवर्ड्स पर चलते हैं और कीवर्ड प्लानर को एक्सप्लोर करते हैं। ओके जी, अब हमें सिंपली टाइप करना है, या तो आप टाइप कर सकते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं ads.google.com, ठीक है, तो ads.google.com पर हमें करना है क्लिक। इसका कीवर्ड प्लानर जो है हमें यूज करना है, ठीक है। सो वापस मैं इस पे अकाउंट क्रिएट करके ही आपको बता देती हूँ। सो डायरेक्टली हम जो गूगल एड्स है उसकी वेबसाइट पर चले जाते हैं, ठीक है। सो मैं डायरेक्ट आपको पूरा अकाउंट क्रिएट करके ही दिखा दूंगी। ये देखिए, इस तरह से कुछ हमारा ये इसका इंटरफेस दिखेगा। आपको क्लिक करना है साइन इन पर, ठीक है, ऑलरेडी अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, नहीं तो आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद में कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको अकाउंट क्रिएट करना है। ओके, सो इस तरह के हमें विंडो दिखेगी, लेकिन ये इस विंडो तक आने के लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा। मैं लॉग इन हूँ पहले ही, तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार, ठीक है। सो मैं इनकॉग्निटो में ओपन कर लेती हूँ एक बार इसको, एंड वापस हम आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए, हमने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको ईमेल फोन नंबर आपका पूछा जाएगा, जैसे कि आप नॉर्मली गूगल पर लॉगिन करते हैं, यहाँ पर आप लॉगिन आपको करना है। तो ये देखिए, हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि न्यू गूगल एड्स अकाउंट चाहिए या स्विच गूगल एड अकाउंट चाहिए, तो न्यू गूगल एड्स अकाउंट आपको क्लिक करना है अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं बना हुआ, नहीं तो अगर आपका ऑलरेडी कोई अकाउंट है तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। तो मैंने न्यू गूगल एड्स अकाउंट पर क्लिक किया। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ से आपका मेन एडवर्टाइजिंग गोल पूछा जा रहा है कि आपको क्या आपको इसमें से चाहिए, लेकिन अभी मेरा मेन एम जो है वो एड्स रन करना नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी क्लिक नहीं करूंगी। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है स्विच टू एक्सपर्ट मोड, मैं इस मोड पर क्लिक करूंगी, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि हमें एड्स तो रन करने नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड प्लानर यूज करना है। सो स्विच टू एक्सपर्ट मोड पर हमें करना है क्लिक। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैंपेन क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि हमें एड्स रन नहीं करने हैं, हमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड प्लानर यूज करना है। तो इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट एन अकाउंट विदाउट एन कैंपेन, बिना कैंपेन बनाए आप अकाउंट हमारा क्रिएट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर बाकी सारी चीजें आ जाएंगी जो गूगल एड्स मतलब PPCs के लिए हेल्प ली जाती है जिनकी, लेकिन मैं क्रिएट एन अकाउंट विदाउट एन कैंपेन पर क्लिक करूंगी। उसके बाद में ये कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, तो इसको आप सबमिट कर दीजिए एक बार, जो भी इन्फॉर्मेशन है एक बार, और ये देखिए आपका अकाउंट यहाँ पर बन गया है, ठीक है, बहुत ही क्विकली हमने फ्री में ये अकाउंट बना लिया है।
अब जब आप अकाउंट बना लेंगे तो कुछ इस तरह से आपको अपना ये इंटरफेस दिखेगा जब भी आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आपको मेन, जैसा मैंने बताया, हमें यूज करना है कीवर्ड प्लानर। तो कीवर्ड, ये जो टूल्स एंड सेटिंग्स वाला ऑप्शन है, इसमें हम प्लानिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कीवर्ड प्लानर पर। ठीक है, अब कीवर्ड प्लानर में हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स या फिर गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। सो हम यहाँ पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना जो सीड कीवर्ड था उसको यहाँ पर हम पुट करेंगे। ठीक है, सो सीड कीवर्ड मतलब मेन ऐसा कीवर्ड जो कि मेरे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, मेरी वेबसाइट से रिलेटेड है। जैसे कि मेरा पेज क्या था कि वेबसाइट डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन दिल्ली, ये मेरा पेज था, प्रोजेक्ट का मेन सीड कीवर्ड था। तो मैंने इसको किया कॉपी और मैं इसको हमारे ये वाला जो टूल है गूगल एड्स का, इधर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, मुझे अगर दूसरा कीवर्ड भी साथ में ही एनालिसिस उसका करना है तो मैं इसको कॉमा देकर और एक और नया, मतलब एंटर करके स्पेस देके एक और नया कीवर्ड ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वेब डेवलपमेंट कोर्स इन दिल्ली कर देती हूँ। ठीक है जी, ये देखिए, वैसे मैं आपको प्रेफर यही करूंगी कि एक साथ ज्यादा कीवर्ड मत पुट कीजिए, सिर्फ एक या दो कीवर्ड आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो गेट रिजल्ट पर हमें करना है क्लिक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली एक फिल्टर लगा होता है, दैट इज एडल्ट आइडियाज को एक्सक्लूड कर दीजिए, वो हमने कर दिया है। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लोकेशन का ऑप्शन है। ठीक है, अब ये लोकेशन क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये बेसिकली ऑल ओवर इंडिया से जिसने भी मेरा ये कीवर्ड टाइप किया है उसकी पूरी यहाँ पर डिटेल आ रही है, उसके हिसाब से वॉल्यूम आ रही है, उसके हिसाब से कॉम्पिटिशन आ रहा है। लेकिन एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, अगर कोई पर्सन टाइप कर रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन दिल्ली, तो उसका मेन मोटिव क्या है कि उसे सर्विस कहाँ चाहिए? दिल्ली में चाहिए। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कोई पर्सन यूएस में बैठा है, अमेरिका में बैठा है और वहां पर बैठ के वो कीवर्ड टाइप करता है वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली, तो उसका मोटिव क्या है? क्या उसे यूएस में सर्विस चाहिए या फिर दिल्ली में? देखिए, अगर यूएस में चाहिए होगी तो अपने आसपास नियर में देखेगा या यूएस की किसी सिटी का टाइप करेगा या फिर सिंपली वेबसाइट डेवलपमेंट यूएस में बैठ के टाइप करेगा। लेकिन वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली वो पर्सन तभी टाइप करेगा जब उसको दिल्ली में सर्विस चाहिए। तो ऐसे में जब मेरे कीवर्ड में लोकेशन इंक्लूडेड हो, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली, इन बेंगलोर, इन इंडिया, इन यूएस, जब मेरे कीवर्ड में, मेरे सीड कीवर्ड में लोकेशन मेंशनड है, तो उस केस में मैं अपनी लोकेशन को सिर्फ इंडिया पर लिमिट नहीं करूंगी, जब बल्कि मैं इसको ऑल लोकेशंस पर क्लिक कर दूंगी। तो इस पर हमें क्लिक करना है, जो भी इंडिया था उसको क्रॉस कर दिया तो ये ऑल लोकेशंस आ गई। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। ठीक है, तो लैंग्वेज इंग्लिश हमने कर दी। ठीक है, उसके अलावा गूगल की ही इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर अदर सर्च पार्टनर्स की भी, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली ऑप्शनल। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि नॉर्मली गूगल एड्स का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है पेड एड्स के लिए। तो हम एसईओ की कीवर्ड रिसर्च में, जो कि ऑर्गेनिकली हम चाहते हैं ट्रैफिक, उसके लिए हम क्यों यूज कर रहे हैं? देखिए, उसके लिए हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमें आइडियाज मिल रहे हैं। गूगल है, गूगल का खुद का टूल है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे, LSI कीवर्ड्स मिलेंगे। भले ये जो मंथली सर्चेज हैं इसमें हमारी PPCs यानी एड्स भी इंक्लूडेड होंगी, बट मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ ये आइडियाज कलेक्ट करने हैं क्योंकि मैं यहाँ पर एवरेज मंथली सर्चेज वगैरह पर नहीं काम करूंगी। ओके, अब यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लिया। 1 ईयर का यहाँ पर डेटा आ रहा है, आप चाहें तो इसको लास्ट मंथ भी कर सकते हो, क्योंकि कई सारे टूल्स में, ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि कई सारे टूल्स में हो सकता है ये आपको लास्ट मंथ के बेसिस पर ही एवरेज मंथली सर्चेस दिखा रहा है, कई में आपको ये साल भर के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। तो इसको आप ईयरली बेसिस पर एवरेज मंथली सर्चेस कर दीजिए। एवरेज मंथली सर्चेस जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है, यानी एक महीने में ऑन एन एवरेज कितनी सर्चेस इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर लोग करते हैं। ठीक है, कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब सिंपल सा कि इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है इस पर कितने लोगों ने अपना कंटेंट बनाया हुआ है या कितने ऐसे वेब पेजेस हैं जिन पर हमारा ये वाला पर्टिकुलर कीवर्ड पड़ा है। तो इसका कंपटीशन लो है, लो का मतलब ज्यादा लोग नहीं है, मतलब अगर मैं रेंज की बात करूं तो यूं समझ लो कि 35 तक ही, 0 से लेकर 35 तक ही इसका रेंज है, 100 में से बात कर रही हूं मैं। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे आप तो और भी आप कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं अगर कस्टम पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आप अपना 3 मंथ चेंज, एड इंप्रेशंस, अकाउंट चेंज, ये सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे अभी काम का नहीं है, ये हमारे पेड एड्स में काम आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे इतने सारे कीवर्ड्स निकलाए हैं, अभी आपको ये कम कीवर्ड्स दिख रहे हैं लेकिन टोटल 30 पेजेस हैं। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इस पूरी फाइल को डाउनलोड कर लूंगी। ठीक है, लेकिन डाउनलोड करने से पहले मुझे पता है कि बहुत सारे रिजल्ट आइडियाज आएंगे, तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर फिल्टर भी डाल सकती हूँ। तो फिल्टर में क्या क्या फिल्टर्स आएंगे, जैसे कि मान लीजिए मेरी नई वेबसाइट है,
नई वेबसाइट को मुझे रैंकिंग पर लाना है तो मुझे कंपटीशन जिन पर बहुत ज्यादा है ना वो कीवर्ड्स नहीं चाहिए। तो इसीलिए आप यहाँ पर लो और मीडियम कंपटीशन को भी टारगेट कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हाई कंपटीशन पर ही जाइए। हाई कंपटीशन मतलब उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर बहुत सारे लोग कंटेंट बनाकर बैठे हैं, बहुत सारे लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में लो और मीडियम कंपटीशन वाले अगर आपको कीवर्ड सेलेक्ट करना है तो ये फिल्टर आप लगा दीजिए और ये अपने अकॉर्डिंग क्या होगा ये हो जाएगा। और देखिए पेजेस भी कम हो गए कीवर्ड्स के, यानी कीवर्ड्स हमारे थोड़े कम हो गए। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पर्टिकुलर फिल्टर्स हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। ओके, अब मैंने जैसे यहाँ पर सिर्फ वही कंपटीशन लिया है जो कि लो और मीडियम है, और ये जो मेरे आप कीवर्ड्स आए हैं इनको मैं यहाँ से, ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से डाउनलोड कर लूँगी। ठीक है, सो ये हमारा एक थोड़ा आइडिया लग गया। मैं इसको .csv में भी डाउनलोड कर सकती हूँ या फिर डायरेक्टली गूगल शीट्स में। तो .csv में अगर आप डाउनलोड करेंगे तो इसको आप एक्सेल में भी कॉपी कर सकते हो। तो मैंने इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। ठीक है, सो ये यहाँ पर हमने थोड़ा सा इंटरफेस यहाँ पर समझ लिया। ये सेव्ड कीवर्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो जो कीवर्ड आप सेव करते जाएंगे वो यहाँ पर आता रहेगा। ओके, सो ये हमारा यहाँ पर एक कीवर्ड आ गया। ओके, अब मेरी ये जो शीट है ये हो चुकी है डाउनलोड। ठीक है, इस कीवर्ड को हम ओपन करेंगे। इस शीट को हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। देखिए इतनी सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए, YOY चेन, 3 month कंपटीशन, एवरी मंथली सर, मुझे तो सिर्फ 2-3 चीजों से मतलब है। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, अब इस शीट में ये वाला जो डेटा है ना इसको मैं उड़ा दूंगी, मतलब मैं डिलीट कर दूंगी। ठीक है, जो मेरा काम का है सिर्फ वही रखूंगी। ठीक है जी, ये देखो अब वो वाली जो रोज है जिनका मुझे नहीं चाहिए, देखो कॉम्पिटिशन मुझे चाहिए, मैं इसको रख लेती हूँ। ठीक है, ओके, तो कंपटीशन में इंडेक्स वैल्यू रख लेती हूँ, सिर्फ ये हटा देती हूँ। YOY चेंज, 3 month ये हटा देती हूँ, एवरेज मंथली, करेंसी की भी मुझे ज़रूरत नहीं तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। डिलीट कर दिया, ये जो ऊपर वाली रो है इन दोनों को भी मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि काम का नहीं है। अब देखिए आप देखेंगे तो आपकी शीट जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। अब ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके जो ये कीवर्ड वाली शीट है ये डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर कर दिया डिलीट। ठीक है, एंड वापस मैं आ जाती हूँ एंड जो मेरे काम की चीज़ें नहीं है ना उनको मैंने यहाँ पर डिलीट कर देना है, मतलब जो भी मेरे काम करें। अब देखो एवरेज मंथली सर्चेस मेरे काम का है, मुझे इसकी ज़रूरत है। कंपटीशन में मैं ये जो रेंज वाला है इसको हटा देती हूँ, इंडेक्स वैल्यू मेरे पास आई हुई है तो इसको रख देती हूँ, बाकी सबको मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि ये मेरे पेड एड्स में काम आने वाली चीज़ें हैं। ये जो यहाँ पर 2 ऊपर रोज हैं इनको भी मैं डिलीट कर देती हूँ। ओके, सो अब मेरे पास टोटल जो है ना सिर्फ 3 कॉलम बच गए हैं, इनको मैं थोड़ा सा एक्सपांड कर देती हूँ। ओके, एंड ये देखेंगे। ओके, एवरेज मंथ सर्चेस आ गया और ये मेरा कंपटीशन आ गया। अब यहाँ पर एक बार आप देखेंगे तो इधर मुझे यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 178 कीवर्ड्स मिल गए। अब यहाँ पर एक्सेल में मैंने जैसे बताया, एक्सेल में मुझे इसलिए काम करना पसंद है तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर सकती हूँ, अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ पूरा, जैसे मैंने इसको कर दिया है इस तरह से। कंपटीशन आप देख सकते हैं, अभी ये जो कंपटीशन है ना और ये जो एवरेज मंथली सर्चेज हैं, देखिए एवरेज मंथली सर्चेज हैं ये, यानी जो अभी पहले रेंज आ रही थी 100 से 1K के बीच में, तो उसका 500 ये मिड वैल्यू ले लिया गया है। जहां पर 10 टू 100 आ रही थी उसको 50 ले लिया गया है, मतलब मिड वैल्यू ले लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सॉर्टिंग कर दूंगी, मतलब एवरेज मंथली सर्चेज के बेसिस पर मैं इसकी सॉर्टिंग कर देती हूँ। ठीक है, सो जैसे ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मैंने कर दिया, तो जो लार्जेस्ट हमारा कीवर्ड है ना लार्जेस्ट वॉल्यूम के साथ वो हमारा यहाँ पर आ गया है। कॉम्पिटिशन और हमारे जो कीवर्ड है उसी अकॉर्डिंग चेंज हो गए हैं। ठीक है, सो यहां पर ये हमने बेसिकली यूज लेके हमारे कुछ कीवर्ड आइडियाज निकाले हैं गूगल एड्स की वजह से। ठीक है, अब इसमें से मैं उन कीवर्ड्स को हटाऊंगी जो कि या तो डुप्लीकेट है। ठीक है, तो डुप्लीकेट के लिए मैं आपको सिंपल सी चीज बताती हूँ। यहाँ पर इस तरह से पूरा आप इसको क्लिक कर सकते हैं, पूरी रो को इसे सेलेक्ट कर लीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रूल्स पर और डुप्लीकेट वैल्यूज, जहां पर भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। अब स्क्रोल डाउन करके देख सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर टॉप 10 वेब डिजाइनिंग है, यहाँ पर वेब डिजाइनिंग है तो ये स्किपेबल है। ये टॉप 10 वेब डिजाइनिंग, ये देखिए यहाँ पर कंपनीज इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ये मैच कर रहा है लेकिन नहीं, दिस इज स्किपेबल। ठीक है, सो मैं इसको कंट्रोल जेड कर दूंगी। अब यहाँ पर मुझे मेरे कीवर्ड जो है ना उनको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, तो अब मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि जैसे 50 वाली रेंज के हैं मैं उनको यहाँ पर स्किप कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ये जो 170 के आसपास आपके कीवर्ड्स आए हैं इनको आप फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद में जो आपके कुछ कीवर्ड्स बच जाएंगे, फॉर एग्जांपल 50 कीवर्ड बन जाते हैं, उन सभी का एनालिसिस आप करेंगे पेड टूल्स की हेल्प से। तो ये हमने अभी तक हेल्प ली गूगल एड्स की, अब हमारा थोड़ा पेड टूल्स का काम आता है और थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम आता है।
तो ये था हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑफ गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर। इसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट स्टेप होंगे कीवर्ड रिसर्च में, उसमें हमें कुछ प्राइवेट टूल्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको एक एक टूल का ट्यूटोरियल दूंगी जिससे आप हर एक टूल से फैमिलियर हो जाएं और उसके बाद में आप अपने लॉजिक के हिसाब से बेस्ट टूल को यूज कर सकें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस, कोर्सेज, कंप्लीट कोर्सेज आपसे मिस ना हो। एंड क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट कोई भी रह गया हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी जहां पर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर होंगे। थैंक यू सो मच।